हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू आवर चैनल शाहीन सिस्टर्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाइट सॉस मैकरोनी की रेसिपी आप इसी प्रोसेस से वाइट सॉस पास्ता भी बना सकते हैं तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि हमें इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए यहाँ मैंने वन बाउल मैकरोनीज़ बॉयल करके रख लिया है यहाँ मैंने लिए है हाफ प्याज बारीक कटे हुए आठ दस लहसुन के दानों को मैंने यहाँ पर काट लिया है और मैंने थोड़े से लिया है चिली फ्लेक्स यहाँ मैं यूज़ करने वाली हूँ आज वाइट सॉस बनाने के लिए टू टेबल स्पून मैदा और हम लेंगे टू कप मिल्क मैं यहाँ यूज़ करूँगी अमूल बटर और मैंने यहाँ पे अमूल के क्यूब चीज़ों का यूज़ किया है आप चाहे तो इसकी जगह पे मोजरेला या फिर छेदर चीज़ भी ले सकते हैं तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसकी रेसिपी सबसे पहले पैन में हम बटर डालेंगे बटर हमारा मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे लहसुन प्याज और चिली फ्लेक्स इन सबको डालकर हमें दो से तीन मिनट तक सॉटे करना है बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है बस इसमें हल्का सा बटर का स्मेल आ जाएगा और इसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे अब हम सेम पैन में वापस से बाकी के बटर डालेंगे और हमें इसमें ऐड करना है टू टेबलस्पून मैदा मैदे को हमें अच्छे से इसमें भूनना है अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आपको लगे कि बटर कम है तो आप उसमें थोड़ा और बटर ऐड कर सकते हैं बट इसे बटर के साथ मैदे को बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेना है और कहीं भी लम्स ना हो बिल्कुल अच्छे से चलाना है ये देखिए मैदा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क मिल्क हमें दो कप यूज़ करेंगे मिल्क डालकर इसे स्लोली स्लोली अच्छे से मिक्स करें मिल्क के साथ ध्यान रखें कि कहीं पर ढीले ना पड़ने पाए अच्छे से करें आप चाहे तो विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे मिक्स करने के लिए गैस का फ्लेम आप इस लो रखें नहीं तो ये बहुत जल्दी पैन में लगने लगे अब हमने इसमें और एक कप जो मिल्क था उसे डाला है क्योंकि ये बहुत गाढ़ा हो चुका था और इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ आप चाहे तो विस्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखिए बड़ा ही स्मूथ सा हमारा मिल्क और मैदे का पेस्ट बन चुका है अब हम इसमें चीज़ डालेंगे आप चाहे तो स्लाइस चीज़ भी ले सकते हैं मोजरेला भी ले सकते हैं और छेदर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपको जो भी चीज़ पसंद है आप उसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखिए चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे फ्राइड किए हुए ओनियन गार्लिक और रेड चिली फ्लेक्स को इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से हम मिक्स कर ले रहे हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने बॉयल्ड मैकरोनी आप चाहे तो इसके प्लेस पे पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं जो लॉन्ग आते हैं क्यूबिकल शेप में उस पास्ता को भी आप यूज़ कर सकते हैं वाइट सॉस पास्ता वाइट सॉस मैकरोनी की सेम रेसिपी होती है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्लेम हमारा लो है बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मिक्स कर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट स्वाद अनुसार आपको जितना चाहिए आप उतना ऐड कर सकते हैं इसमें अब हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर ब्लैक पेपर पाउडर बहुत ही मस्त है वाइट सॉस पास्ता के लिए इसमें टेस्ट इसी की वजह से आता है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए इसे हम अब सर्व करेंगे तो दोस्तों हमको हमारे आज की रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है आपको और किस किस चीज़ की रेसिपी चाहिए और हमें सपोर्ट करें प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल